हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ेंगे एफआईआर क्या है और एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं एफआईआर का महत्व क्या है। तो एफआईआर का महत्व, किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। जो एफआईआर होती है वो किसी भी जांच में, जब कोई वारदात होती है, घटना घटती है, तो उसकी जांच में एफआईआर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि आगे की कार्रवाई है जो वो एफआईआर के आधार पर ही पुलिस द्वारा की जाती है। और एफआईआर कौन फाइल करा सकता है? तो एफआईआर देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी संगे वारदात की जानकारी है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी घटना का पता है कि वह घटना घटित हुई है, तो वो व्यक्ति नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा ज़रूरी है कि जिसके साथ वारदात हुई है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराए। अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो भी खुद एफआईआर है जो फाइल कर सकता है। अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है, अगर आपको पता है कि आपने ना चाहते हुए भी कोई अपराध कर दिया है वारदात के मौके पर, या फिर वहाँ पर मौजूद थे, तो भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपको, आपके द्वारा कोई अपराध हो गया है ना चाहते हुए भी गलती से, या फिर आप उस जगह पर वहाँ मौजूद थे जहाँ पर कोई घटना घटित हुई है, तो भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब एफआईआर दर्ज कराने का जो प्रोसेस है वो क्या है, जो प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी, सीआरपीसी है, उसमें सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जब कोई व्यक्ति किसी वारदात, घटना, अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे लिखती है। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी घटना की जानकारी मौखिक रूप से पुलिस को देती है तो शिकायत, तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर जरूर सुनाए। तो जब भी आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो यह आपका हक बनता है कि पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसको आपको मौखिक रूप से पढ़कर जरूर सुनाए। पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर जरूर सुनाएगी, और उसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपके जो साइन है, यानी सिग्नेचर, हस्ताक्षर है, वो ज़रूरी है। जब आपकी एफआईआर लिख जाएगी तो उस पर आपके जो सिग्नेचर हैं वो ले लिए जाएंगे। आपको इस रिपोर्ट तभी साइन करना चाहिए जब आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी ठीक ठाक लिखी है। यदि आपको नहीं लग रहा है कि भैया ठीक ठाक लिखी है या नहीं, तो आप इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक लिखी है, तो आप उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। आपके कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। यदि आपको लगता है कि जो आपके जो अपने जो मौखिक रूप से बयान दिया है वहाँ पर एफआईआर में लिखवाई है, तो वो सही नहीं लिखी है, तो भी आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। जो लोग लिखे या पढ़ नहीं सकते, वे इस रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। यानी जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। जो एफआईआर, जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो आपको एक कॉपी भी दे दी जाएगी। उसकी एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करनी का आपका अधिकार है। जो एफआईआर की कॉपी है वो है आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी, उसके कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। एफआईआर में किस तरह की जानकारी देनी चाहिए, अब देखते हैं एफआईआर जो जानकारी है वो किस तरह की देनी चाहिए। एफआईआर में, आपका नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वारदात, घटना, अपराध की सच्ची जानकारी व तथ्य, शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, और अगर कोई चश्मदीद है, जो गवाह है, चश्मदीद गवाह है, उसकी भी जानकारी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताने चाहिए। जो आप एफआईआर लिखवाते हैं तो आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखना चाहिए, बताना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आप पर भी इस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई बयान ऐसा बयान भी नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको कोई स्पष्ट जानकारी ना हो।
तो आपको ऐसा कोई बयान भी नहीं देना जिसमें आपको कोई जानकारी नहीं है और आपने FIR में लिखवा दी। अगर आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है तो आप क्या करना चाहिए, मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि थाने में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी FIR दर्ज नहीं होती है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में आपका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप SP है जो ज़िले का, आप उसके के पास जाकर FIR दर्ज करवा सकती है, या फिर जो उसके ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG होते हैं इनके पास भी जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे IG कहते हैं इनके पास भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, या आप इन्हें लिखकर भी दे सकते हैं, या फिर पोस्ट करके यानी पोस्ट ऑफिस में डाल के इन तक भेज सकते हैं। वे अपने स्तर से इस मामले की जांच करेंगे या जांच के निर्देश देंगे। आप चाहें तो प्राइवेट स्तर पर भी अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यानी कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय है, कोर्ट है, आप उसमें भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।